हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्थशास्त्र क्लासेस। ये इस सीरीज़ का लास्ट वीडियो है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 आंसर करेंगे। 6 क्वेश्चंस, मतलब फर्स्ट 6 क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी उनके वीडियोस अपलोड कर दिए हैं चैनल पे। तो जिनको भी अपना असाइनमेंट 30 सितंबर तक सबमिट करना है, उनके लिए MEC 004 का मैंने कम्प्लीट असाइनमेंट अपलोड कर दिया है। सो आप वहाँ से देख सकते हैं। ये मेरे असाइनमेंट मार्क्स हैं। अगर आप पूरा असाइनमेंट मेरे तरीके से आंसर करते हैं तो आप भी 85 प्लस मार्क्स इजीली सिक्योर कर सकते हैं। इस वीडियो में हम उजावा सेक्टर ग्रोथ मॉडल एंड फेल्डमैन मॉडल का डिफरेंस देखेंगे। दोनों का हमसे कंपैरिजन पूछा है, तो या तो आप सीधा कंपैरिजन पॉइंट्स लिख सकते हैं कि दोनों में ये सिमिलैरिटीज़ हैं और ये डिफरेंसेज हैं, या हम दोनों मॉडल्स पहले डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसके बाद उन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। क्योंकि ये 12 मार्कर क्वेश्चन है, तो आप दोनों में से कोई भी अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। मैंने असाइनमेंट को मोर कॉम्प्रिहेंसिव बनाने में, और क्योंकि फर्स्ट ईयर में पहली बार असाइनमेंट सबमिट कर रहे थे तो पता नहीं था कि वहाँ चेकिंग कैसी होती है, तो मैंने इसको फर्स्ट ईयर में जब मैं थी तो दोनों को पहले एक्सप्लेन किया, उसके बाद उनको एक कंपेरिजन चार्ट में लिख के उनके सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़ मैंने लिखे थे। आप कोई भी अप्रोच दोनों में से यूज़ कर सकते हैं एज़ पर योर कन्वीनियंस। अगर आपको ये सीरीज़, असाइनमेंट सीरीज़ जो मैंने इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट MEC 004 की स्टार्ट की और आज इस वीडियो से ये एंड हो रही है, अगर आपको हेल्पफुल हो किसी भी मैनर में, तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा। अगर आपको कोई कंसेप्ट में प्रॉब्लम है, जैसे ये क्वेश्चन है इसमें बहुत सारे मैथमेटिकल इक्वेशंस का यूज़ हो रहा है जैसे आप देख रहे हैं, अगर आपको इसका डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं एक सेपरेट वीडियो इसका बना दूंगी। क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप कोई भी कंपेटिटिव एग्ज़ाम देते हैं जैसे UGC नेट से या और भी कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, IAS का दे रहे हैं, GATE का दे रहे हैं, उस सब में भी ये थ्योरीज पूछी जाती हैं। तो फॉर एन इकोनॉमिक स्टूडेंट दीज थ्योरीज आर इम्पॉर्टेंट इन एनी रिस्पेक्ट। अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं अगर इनफ कमेंट्स आएंगे तो मैं इसका डेफिनेट आपको एक एक्सप्लेनेटिव वीडियो अपलोड कर दूंगी। इस वीडियो में आप सिर्फ असाइनमेंट आंसर के रिस्पेक्ट से या टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए आपको मटेरियल चाहिए आंसर का, तो उस रिस्पेक्ट से आप इस वीडियो को यूज़ कर सकते हैं। मैंने कम्प्लीटली दोनों मॉडल्स को एजम्पशंस उनका पूरा वर्किंग इसमें इंक्लूड किया है, दोनों के सिमिलैरिटी पॉइंट्स डिससिमिलैरिटी पॉइंट्स सब इसमें मेंशन किया है। तो आपको अगर पेपर में भी ये क्वेश्चन आता है और आप ये सारा मटेरियल उसमें लिख देते हैं तो भी आपको मार्क्स लूज करने का कोई चांस नहीं है। ये वीडियो इतना डिटेल्ड है, आंसर इतना डिटेल्ड है, जैसे कि आपने देखा अगर आप 7 के 7 आंसर्स इसी वे में लिखते हैं, क्योंकि असाइनमेंट डिट्टो सेम है जब मैं फर्स्ट ईयर में थी जो असाइनमेंट था, और आपके लिए जो फर्स्ट ईयर का असाइनमेंट आया है ग्रोथ का वो डिट्टो सेम है। तो अगर आप इसी तरीके से लिखते हैं तो 85 प्लस मार्क्स आप गारंटीड स्कोर कर सकते हैं। बस मेक श्योर आप थोड़ा नीटली लिखें, ज़्यादा कटिंग ना करें, राइटिंग पे थोड़ा ध्यान दें और असाइनमेंट को प्रॉपर वे में सबमिट करें। सो ये थोड़ी चीज़ें का आप ध्यान रखेंगे तो 85 प्लस मार्क्स स्कोर करना कोई मुश्किल नहीं है। थियोरी पेपर में मार्क्स स्कोर करना ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि थियोरी में एग्जामिनर इजीली मार्क्स नहीं देता है, हर कोई वही थियोरी लिखता है, सबके पास सेम बुक्स है तो सब एग्जैक्टली सेम थियोरी टेप देते हैं, बट एग्जामिनर क्या देखता है कि आपने अपना इसमें क्या इनपुट डाला है। तो जो ये असाइनमेंट्स हैं ऐसा नहीं है कि ये वर्ड टू वर्ड मैंने इग्नू से कॉपी की है, मैंने बहुत सारे वेरियस सोर्सेस को कंबाइन करके ये असाइनमेंट्स लिखे हैं ताकि बाद में जब मैं खुद पढूं इनको तो मुझे समझ में आए कि मैंने क्या लिखा है। ऐसा नहीं है कि असाइनमेंट करने के लिए ही सिर्फ लिख दिया है। तो इक्वेशंस जो भी हैं इसमें बहुत मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करके लिखी हैं। इग्नू के बुक्स में आपको इतनी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन किसी भी इक्वेशन की, किसी भी मॉडल की वर्किंग इतनी डिटेल्ड नहीं मिलेगी, और इसलिए हमें इग्नू के बुक्स से इसलिए समझ नहीं आता है। कोई भी कंसेप्ट है इग्नू का, किसी भी सब्जेक्ट का, फर्स्ट ईयर हो सेकंड ईयर हो, आप मुझे नोटिफाई कर सकते हैं, या तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या आप मुझे किसी भी वीडियो पे कमेंट करके बता सकते हैं। कोई सजेशन हो आपको, आपको लगता है कि यहाँ पे ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इसकी जगह ये होना चाहिए, तो भी आप मुझे बता सकते हैं। कोई आपको फीडबैक देना हो वीडियो क्वालिटी से रिलेटेड तो भी आप मुझे कमेंट करके दे सकते हैं। और आपका
कमेंट, लाइक, शेयर करना ही मेरे लिए एक मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है कि मैं आपके लिए और वीडियोस ऐसे लेके आऊँ, क्योंकि एट द एंड जब तक आप लोग मुझे इंस्पायर मोटिवेट नहीं करते हैं तो मेरे लिए ये वीडियोस लाना मुझे वर्थ नहीं लगता है। अगर आपकी तरफ से एक इनिशिएटिव होता है मुझे बूस्टअप करने के लिए तो मैं डेफिनेटली अपना बेस्ट ट्राई करती हूँ कि मैं आपको टाइम टू टाइम इम्पॉर्टेंट वीडियोस, कंसेप्ट सब एक्सप्लेन करके वीडियोस अपलोड करती रहूँ। तो इस क्वेश्चन में देख लेते हैं कि हमने पूरा ओजावा मॉडल जो है वो हमने एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ वी हैव मूव टू फेल्डमैन मॉडल। तो नोटेशंस हैं इसमें बहुत ज़्यादा यूज्ड हैं और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, इसलिए आप इसको असाइनमेंट में ऐसे लिखें कि जब आपके पास टर्म एंड के लिए टाइम हो तो आप इसको अपना असाइनमेंट ही पढ़ के पेपर देने जाएं। इस टॉपिक को आपको दोबारा बुक से ना पढ़ना पड़े, इस अकॉर्डिंग आपको ये असाइनमेंट लिखना है। इग्नू का सिलेबस बहुत वास्ट है, अगर आप देखोगे तो ब्लॉक 5 में या ब्लॉक्स आपके पास 25 थियोरीज हैं ग्रोथ की, और इस ब्लॉक में मतलब ब्लॉक 2 जो है आपका, उसमें अगर आप टोटल करो चैप्टर 4 में तो उसमें 4 थियोरीज हैं। तो अप्रॉक्सी ऑन एन एवरेज आपके पास इस सब्जेक्ट में 50 थियोरीज तो हैं ही, उनकी अपनी एजम्पशंस हैं, हर थ्योरी की कम से कम 6 से 7 एजम्पशंस हैं। तो आप देखो कि आपको एग्जामिनेशन डे एक दिन में आपको कम से कम 300 से एजम्पशंस, इतनी सारी इक्वेशंस सब माइंड में रख के पेपर देने जाना है। तो बेस्ट है कि अगर आप अपने असाइनमेंट को बहुत सीरियसली करें ताकि आपको एग्जामिनेशन के एंड जब आप दें तब आपको इन टॉपिक्स को रिलेटेड कम से कम आप श्योर रहें कि ये तो मुझे आता है। अदरवाइज आप मतलब देखो पास तो हर कोई हो जाता है पेपर में, बट मज़ा वहाँ है जहाँ पे अच्छे नंबर से पास हो, है ना, 50 भी पे पास हो, बट इट फील्स गुड व्हेन यू आर स्कोरिंग लाइक 80-85 प्लस। सो हर किसी का अपना एम्बिशन है, मेरा मानना ये है कि हम जो काम करें बहुत अच्छे से करें। तो उसी रिस्पेक्ट से मैंने आंसर्स लिखे थे कि जब मैं दोबारा इसको पढ़ूं पेपर के लिए तो मुझे बार बार ओजावा मॉडल, फेल्डमैन मॉडल बुक में ना देखना पड़े, मैं सिर्फ अपना असाइनमेंट देखूं और मेरा ये प्रिपेयर हो जाए टॉपिक। तो यहाँ हमने कंपैरिजन किया है कि दोनों मॉडल में क्या क्या डिफरेंट है, क्या क्या सिमिलर है, दोनों मॉडल्स को एक्सप्लेन कर दिया हमने डिटेल में। यहाँ लिख रहे हैं कि डिफरेंस जो है वो बेसिक एजम्पशंस में है, और ग्रोथ पाथ के में जो सजेस्ट कर रहे हैं मॉडल उसी लिए इसमें डिफरेंस आ रहा है क्योंकि उनके डिफरेंट अजम्पशंस हैं। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।